आ जाएं सभी लोग। वॉइस क्लियर है सभी को? सभी लोग आ जाएं टाइम पे। संगीता, शिल्पी, नेहा, टीनू, दीपा, दिनेश, शिल्पी, ममता, प्रीति, किमी, शिवानी, अंबिका, ज्योति, वेलकम है सभी का। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी दीपा, सबको करना चाहिए, आप ही नहीं, सबको वो शेयर करनी चाहिए वीडियो। चलिए, वॉइस क्लियर है? ओके निशा, वेलकम है आपका भी। संगीता, वेलकम बैक। मैं प्रज्वल कुलश्रेष्ठा आप सभी का शिक्षा धन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम ईवीएस की अपनी नेक्स्ट टॉपिक आगे के देखेंगे। इससे पहले 7 वीडियो हम देख चुके हैं, ये 8th नंबर का पार्ट है हमारा। ओके, तो पहले सभी लोग बताएं वॉइस क्लियर है, और मैसेज कर दें आप सभी अपने अपने ग्रुप में कि सब लोग टाइम पे आ जाएं, क्योंकि इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेलकम है प्रियंका, शिवानी, सभी का वेलकम है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ओके, तो जरा मैसेज कर दीजिए सब लोग जो सोए हुए हैं, सब टाइम पे आ जाएं। ओके शिवानी, थैंक यू। ओके निशा, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। ओके प्रियंका, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं सभी लोग? चलिए हाँ, आने वाले आते रहेंगे, लेट तो उनका, जो आएंगे लेट उनके पॉइंट छूटेंगे, रिपीट ना करना पड़े तो अच्छा है। आप 3 बजे आ जाया करो सभी लोग, सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज आपको थोड़े पॉइंट आपको दे रहे हैं, क्या है? जानवरों के शरीर पर बने पैटर्न, जो आपको पैटर्न दिखाई देते हैं ना, अलग अलग, हर किसी के अलग अलग होते हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका, सभी लोग सही रहे हैं। तो वो पैटर्न दिखते क्यों हैं? वो उनके बालों की वजह से दिखाई देते हैं, उनके हेयर्स की वजह से दिखाई देते हैं, सही है? उनके हेयर्स की वजह से दिखाई देते हैं। अब दूसरा क्या है, बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता, सही है? अगर आपसे पूछा जाए पेपर में जो उनके पैटर्न दिखाई देते हैं तो वो क्यों देते हैं, तो वो बालों की वजह से देते हैं, सही है? क्यों? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बच्चे इसका गलत देख के आए थे कि स्किन की वजह से होता है, त्वचा की वजह से होता है। नहीं, वो किसकी वजह से होता है? आपका हेयर्स की वजह से होता है, सही है? हाँ जी सभी लोग आ जाएं, वेलकम है, सभी का वेलकम है। शिल्पी, शिवानी, ये 2 पॉइंट सिंपली समझ में आ रहे होंगे आपको। जो आपके विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं, डिजाइन आपको दिखाई देती है जानवरों के शरीर पे, ओके, तो वो किसकी वजह से होती है? वो बालों की वजह से होती है। क्लियर है सभी को? जितने लोग भी हैं सभी को क्लियर है? रेशमा, रिपीट टाइम पे रहा करिए सभी लोग, है ना? 3 बजे का मतलब 3 बजे होता है, आप जरा भी लेट होगे ना तो आपका एक आध पॉइंट रह जाएगा। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, क्या? जानवरों के शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं, उनके हेयर्स के कारण होते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है? उनके हेयर्स होते हैं, सही है? और बिना बाल, अगर उनके बाल उतार दिए जाए उनके शरीर से, तो कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, सही है? रेशमा, हाँ जी रेशमा, टाइम पे रहा करिए। शिल्पी, प्रियंका, बाकी सभी को क्लियर है? ओके चलिए, अच्छी बात है। ओके क्लियर है किमी। चलिए इसके थोड़ा सा पिक दिखाते हैं आपको, जिससे और चीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए इतने प्यारे प्यारे पिक्स हैं आपके सामने, सही है? ये आपको, ये अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? ये पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे अलग दिखाई दे रहे हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ओके ओके बहुत बढ़िया प्रीति, अच्छी बात है। चलिए तो वही पिक जरा देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो अलग अलग आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनके अलग अलग पैटर्न आपको स्किन पे दिखाई दे रहे हैं, सही है? वो किसकी वजह से होता है? उनके हेयर्स की वजह से होता है, सही है? पिक में इसलिए लाई जाती है आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से चीजें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, सही है? तो यही पढ़ने का एक तरीका होता है, जिससे हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए चीजें याद रहे हमें। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। शिल्पी, निशा, शिवानी, दीपा, ज्योति, सभी को क्लियर है? ओके चलिए बढ़िया बात है। और जो कैंडिडेट हैं वो सीडीपी में और साइंस में, सभी में अटेंड किया करें, क्योंकि सभी आपको क्वालिफाई करने हैं, है ना? सभी में अच्छे नंबर लाने हैं। हाँ जी ओके चलिए,
आगे बढ़ते हैं, क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके टिनू, जयवीर, दिनेश, सोनू, ओके थैंक यू। देखिए क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ऑप्शन के तौर पे आपको मिल जाएंगे, सही है। जिन जानवरों के कान और बाल जो होते हैं शरीर पर हो, वह क्या करते हैं, जन्म देते हैं, सही है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, जिन जानवरों के कान आपको बाहरी दिखाई देते हैं, सही है, और बाल होते हैं उनके शरीर पे, तो वो क्या काम करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को डायरेक्टली, सही है। और क्या है, जिन जानवरों के कान बाहरी दिखाई नहीं देते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देने का काम करते हैं, सही है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ज्योति हिंदी बस आपका ईवीएस की, इसके बाद दो वीडियो और आएंगी जो आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। इसके बाद हम मैप लेके आएंगे, मैप की एक वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, मैप के बाद फिर पैडा चलेगी, सही है। जैसे ये ईवीएस कंप्लीट होती है तुरंत आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आप कहोगे वो स्टार्ट कर दी जाएगी, सही है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, नमस्ते जी, नमस्ते शिखा जी, चलिए सभी टाइम पर आ करें, सही है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, सभी लोग बताएं ये पॉइंट क्लियर है सभी को। आपसे पूछा जाएगा पेपर में, जिन जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं या जन्म देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जन्म देने का काम करते हैं, सीधे बच्चे उनके जन्म लेते हैं। और जिन जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं बाहर, वो आपका अंडे देने का काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, शिवानी, शालिनी, कुमार, ओके, सोनू, सभी को क्लियर है, जो भी ऑफिशियल होगा सोनू आपको निशा बता दिया जाएगा, रेशमा, शिल्पी, और ओके सभी को क्लियर है, सही है। प्रीति, टिनू, ओके, ज्योति, जयवीर, अरुण, बढ़िया बात है, सही है, सभी को ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए, सही है। जरा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, जिनके कान हमें दिखाई दे रहे हैं और शरीर पर बाल हैं, वो क्या कर रहे हैं, जन्म देने का काम कर रहे हैं, हैं? जरा देख लेते हैं पिक में क्या ऐसा हो रहा है या ऐसे ही है कुछ। ओके तो इसमें क्या है, यस एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में, कोई बड़ी चीज नहीं है, सही है। चलिए तो क्या है, यहाँ पे आपका काउ लिया गया है, तो उसमें क्या है, इसके कान आपको बाहरी दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके बर्थ करते हैं बच्चे का, सही है। हाँ जी, ओके, राहुल, दीपा, सोनू, निशा, नेहा, और जो देखिए जो चिड़िया होती है उनके कान आपको बाहरी नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, अंडे देने का काम करते हैं, सही है। ये बताएं क्लियर हो रहा है, पिक से भी आपको क्लियर हो रही होंगे, दोनों स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहे हैं आपके। हाँ जी सर, मैंने शेयर करा, बहुत अच्छी बात है निशा, ये सब आपके हक की ही बात हो रही है, तो शेयर करना चाहिए, है ना। और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें आप सभी लोग, जिससे सब तक ये अच्छी चीजें पहुंचे। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं सभी के लिए ट्रू है, सभी के लिए है, ओके। प्रेम, शिखा, शिल्पी, प्रीति, सोनू, अमरीश, नेहा, घनश्याम, दीपा, सभी को क्लियर है, सही है। जयवीर को भी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें क्लियर हो रही हैं चीजें, चलिए बहुत अच्छी बात है। उत्तम, इंग्लिश में भी दीजिए, इसमें तो पूरा पिक के माध्यम हिंदी इंग्लिश क्या, पूरा मैं आपको ऐसे डिफाइन करता हूं जैसे आपको क्लियर हो जाए, ओके। चलिए इसमें तो पिक है, पैरट है, और ये आपका ऐसे काउ बोलते हैं, सही है, ओके। रेशमा, अंबिका, क्लियर है, किमी को, आगे बढ़ते हैं, सही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डेंजर टू एनिमल्स, इनके बारे में एक एनसीईआरटी में चैप्टर है कि कौन सा जानवर किस वजह से खतरे में है, सही है। थैंक यू अरुण, थैंक यू। चलिए और सब भी प्रमोट करें, जिससे हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आपको इस बार क्रैक करवाना है सीटेट का पेपर, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को प्रमोट करें, ये पूरा डेटा सबके पास पहुंचे, है ना। कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, कोचिंग नहीं ले सकते, और इस समय तो कोरोना टाइम पीरियड है, वैसे ही नहीं बच्चे जा पा रहे हैं ज्वाइन करने, तो आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है सब तक ये वीडियो पहुंचाएं। चलिए इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा, ओके निशा, अच्छी बात है, ओके। हाँ जी दीपा, आपका पता है, आप प्रमोट करते हैं, पता है हमें, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं कि कौन सा जानवर खतरे में क्यों है, सही है, ये पूछा जाता है आपसे। बाघ, बाघ के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमने देखा था कितना चौकन्ना, अत्यधिक
चौकन्ना अलर्ट जानवर है फिर भी ये खतरे में क्यों है? इसकी स्किन की वजह से। हाँ जी शिवानी आप भी करते हैं। अमित यादव लेट हो गए तो आपके दो पॉइंट छूट गए हैं, वो आप ऑफलाइन में देख लेना। अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा जानवर खतरे में क्यों है। हाँ जी बिल्कुल हेल्प करी जाएगी, हमेशा हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। ओके आपसे वीडियो मैं जब आप बना के आपके सामने दी थी उसके बाद मैंने फिर से ट्वीट किए हैं। ओके तो आपके हक की जो भी बात होगी हमें लड़ना पड़े बिल्कुल लड़ेंगे, और आपका भी ये बनता है कि आप लोग उस पे ट्वीट करके जवाब मांगो, है ना। वोट आप सभी मैच्योर हैं, सब 18 प्लस में ही है, 18 प्लस में ही है, तो सभी लोग जवाब मांगने के हकदार हैं भाई। हमने फॉर्म फिल किया है, हमें जॉब चाहिए, हम उसमें हैं, एबिलिटी रखते हैं हम इसमें कि हमें जॉब मिल सकती है, आप देने को तैयार नहीं हो, है ना। तो सब लोगों को जवाब मांगना चाहिए गवर्नमेंट से, मीडिया की तो छोड़ ही दी जाए, मीडिया अभी भी पगलाई घूम रही है। रिया चलो छोड़ो क्या बात करें, चलिए अभी पॉइंट पे आते हैं। ऑलरेडी इसको बिल्कुल बिल्कुल होगा अरुण जी, बिल्कुल होंगे, 120 भी आएंगे, जितना हम दे रहे हैं आप उतना करते जाओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सबका क्रैक होगा। जो नए बच्चे हैं डर लग रहा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सीटेट क्वालिफाई ऐसे ही होता है, आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हो। एक बच्चे का कमेंट आया था सर आप ईबीएस में ये पॉइंट बताते हैं, ये पेपर में भी आते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो। ओके तो ये सब पेपर आपको रखे मिलते हैं सेम, जो मैं तो आपके लिए इतना कर देता हूं कि पूरा पॉइंट वाइज देता हूं, कोई थ्योरी नहीं, कोई बुक नहीं आपके सामने कि आपको रटवाया जाए, है ना। आपको पहले ही ऑप्शन में आउट कर देता हूं और वो ही आपको पेपर में रखे मिल सकते हैं, तो यही आता है। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ के चले जाओ, ये छोड़ के चले जाओ, आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओ। चलिए थैंक यू सभी का थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। सही है, क्या है हाथी, हाथी का क्यों शिकार किया जाता है? उसके दांत के लिए। सही है, हाथी दांत के लिए उसके क्या खिलौने बनाए जाते हैं, और काफी हाँ शोपीस बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है हाथी का खूब शिकार किया जाता है। सही है, हाँ जी शिवानी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा ही होता है। चलिए थैंक यू, सभी को अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, टाइगर मगरमच्छ छाप सांप को स्नेक को क्यों मारा जाता है? इसको चमड़ी के लिए मारा जाता है, इसकी स्किन के लिए मारा जाता है। सही है, ये आपसे ऑप्शन में रखे मिल सकते हैं आपको कि इन इन जानवरों को क्यों मारा जाता है, तो ये आपको स्किन के लिए मारा जाता है इनके लिए। ओके मैथ और इंग्लिश में तो मैथ की क्लासेस तो आपकी चल रही हैं निशा जी, मैथ की क्लासेस आपकी चल रही हैं कंटिन्यूअस वे में चल रही हैं, आप ज्वाइन करें मैथ की क्लासेस, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, मुनीश सर पढ़ाते हैं आपको। सेफ है पेपर में बिकॉज मैंने दिया है एग्जाम, हाँ जी यही सब आता है। नंबर वन फिर से रिपीट कर देते हैं, चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। चलिए अब साइड की बातें साइड में रखते हैं। सही है, अभी हम पॉइंट की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं। सही है, ये एंड में बात करेंगे, वीडियो खत्म होगी तब अपन बात करते हैं इसके बारे में। सही है, आपसे ये एनसीईआरटी में एक चैप्टर है डेंजर टू एनिमल्स। सही है, कौन सा जानवर खतरे में क्यों है? सही है, बाघ के बारे में हमने पहले बात करी हुई है पूरे कि बाघ क्या क्या करता है, इसकी खूबियां क्या होती हैं, तो हमने ये प्रीवियस जो हमने वीडियो देखी है उसमें देख चुके हैं। सही है, ये अत्यधिक चौकन्ने होते हैं फिर भी खतरे में क्यों है? इनकी भी स्किन की वजह से, इनकी खाल बेची जाती है इसकी वजह से होते हैं। सही है, क्या है हिंदी सॉरी हाथी को दांत की वजह से मारा जाता है, मगरमच्छ और टाइगर और आपके जो है सांप को उसकी स्किन की वजह से होता है, गैंडा उसकी सींग की वजह से, गैंडे को किसकी वजह से मारा जाता है? उसके सींग की वजह से। कस्तूरी मृग, सही है, उसे क्यों? इत्र बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से उसका शिकार करते हैं। सही है, और जो घना राष्ट्रीय उद्यान, और मैंने आपको बताए थे राष्ट्रीय उद्यान जहां पे शिकार करना मना है, ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान में मना ही होता है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान भी आप याद कर लेना और ये चीज भी आप याद कर लेना, ये आपको पेपर में रखी मिल सकती है। सही है, अब ये बताएं क्लियर है सभी को? हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हिंदी की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगे, है ना। मैथ की ले रही हूं, बहुत अच्छी बात है निशा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके मैथ के, है ना। चलिए बहुत, और सीडीपी में अब आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं दे रहे हम, किसी में सब्जेक्ट में जो भी ली जा रही है सभी को क्लियर हो रही होंगी, बहुत बढ़िया सोनू, क्लियर क्लियर। शिवानी
सर आप पहले लेक्चर फिनिश कर दीजिए फिर। हाँ बिल्कुल वही बात है क्योंकि थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। चलिए ये ओके क्लियर है, शालिनी, अरुण, प्रेमशिका, कृष्णा, ओके सभी को क्लियर है, सही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए एसएससी की भी चल रही है ममता जी, क्लासेस चल रही हैं, चैनल पे सब मिल जाएंगे आपको। फोर एक्सप्लेन कर दें, फोर एकता रानी, फोर में क्या था, गैंडा होता है ना, गैंडे को उसकी सींग की वजह से मारा जाता है, सही है, गैंडे को उसकी सींग की वजह से मारा जाता है। कृष्णा पीडीएफ आपको संडे तक मिल जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था कालबेलिया, सपेरों के लिए जो एनसीईआरटी में दिया गया, जिसमें बताया था कि कालबेलिया किसकी है, तो वो एक सपेरों की जाति है, बताया गया था आप सभी को। ये बताएं कालबेलिया सभी को याद होगा, कालबेलिया सभी को याद होगा, ये उसी का आगे का पार्ट है, सही है। क्या है कि देखिए सपेरे क्या करते हैं, सांप को उसके डंक से पहचान लेते हैं, सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से दवाई बनाते हैं, सही है, पेड़ पौधों से दवाई बनाते हैं, सांप खेतों के चूहों को खाने की वजह से किसानों के सहायक होते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट है, आप उसमें ऐड कर लेना जो आपको बताया गया था, सही है, जो आपको कालबेलिया सपेरों के रिगार्डिंग एक एनसीईआरटी में पढ़ाया गया था, तो उसमें आप ये पॉइंट और ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि सपेरे जो होते हैं सांप को उसके डंक से पहचान लेते हैं कि किस सांप ने इसे मानव को या किसी को काटा है, सही है, और जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं उससे ये दवाई बना लेते हैं, उसके एंटीडोज बना लेते हैं, और जो सांप होते हैं खेत में चूहों को खा जाते हैं, इस वजह से किसानों के सहायक भी कहलाए जाते हैं, सही है। ओके शिल्पी, जयवीर, बता दिया जाएगा कृष्णा ग्रुप में आपको, अजीत, सोनू, नेहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात करते हैं ना, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हम पॉइंट पे रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके मिथिलेश, अब हम देखते हैं बीजों के बारे में, सही है। तो बीजों के बारे में पहले भी हम देख चुके हैं कि क्या होता है, उसमें हुक बने रहते हैं जिससे वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। देखते हैं क्या होता है, बीज बहुत बढ़िया यात्री होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें छोटे छोटे हुक होते हैं जिनके द्वारा वो ट्रेवल करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, सही है। तो देखिए एक तो ये आपको जो पिक दिखाई दे रही होगी, दोनों पॉइंट क्लियर ही होंगे सबको, तो ये हमने देखा भी है, कई जगह हम जाते हैं तो कई बीज हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, है ना, तो वो इधर से उधर इसी से घूमते रहते हैं, तो ये हर तरह के होते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये जो है कईयों को मम्मी लोग डराती भी हैं बचपन में, हुआ आ गया, हुआ आ गया, क्या हो रहा है, इसमें ये बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बीज है वो उड़ते रहते हैं और उड़ने से इधर उधर पहुंच जाते हैं, है ना, ये सभी ने देखा होगा बचपन में, सबको डराया गया होगा इससे कि हवा आ गया है ना, जो भी आपके आपके नॉर्थ इंडिया में सब सभी लोग ये जानते ही होंगे इसके बारे में, सही है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें कि जल के द्वारा कौन से बीज प्रभावित होते हैं या इधर उधर यात्रा करते हैं, जो नारियल का जो होता है, नारियल का जो बीज होता है, नारियल का आपने देखा होगा समुद्र के इधर किनारे रहता है कोस्टल एरियाज में, तो क्या होता है वो पानी में गिर जाते हैं और पानी उन्हें बहा के ले जाता है और दूसरी जगह वो उगाते हैं, सही है। ओके शिल्पी, अजीत, मिथिलेश, सोनू, शिवानी, बहुत अच्छी बात है। और क्या पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा पीपल, पीपल और बरगद के जो पेड़ होते हैं वो कहीं भी उगाएंगे, है ना, आपके घरों पे आ जाएंगे, जो आपका टैंक रखा होगा वहां पे उगाएंगे, या कहीं दरार होगी वहां पे उगाएंगे, तो वो बीज वहां तक कैसे पहुंचे, वो बीज वहां तक कैसे पहुंचे, उसमें ये होता है जो तो चिड़िया उनके बीज खा लेती हैं, ओके चिड़िया उनके बीज खा लेती हैं और पच नहीं पाते हैं वो, तो क्या होता है जब वो बीट करती हैं अपना मल त्यागती हैं तो वो आपकी छत पे गिर जाता है और वो जहां पे गिरता है बीज वो पचता है नहीं और वहां से वो उगना स्टार्ट कर देता है। ये सभी ने देखा होगा, कईयों के घर पे भी ये हो रहा होगा, जितने लोग भी मुझे भी सुन पा रहे हैं तो देखा होगा आपने, पीपल कहीं से भी उगाएगा तो कहाँ से आ रहे हैं वो बीज, तो वो पक्षी खा लेते हैं उसके बीज, तो जब वो बीट करते हैं मल त्यागते हैं अपना, तो बीज उनके मल में होता है और वो उसके बाद जहां उन्हें थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है वहां पे वो उगना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बताएं बीजों के बारे में, सीड के बारे में सभी को क्लियर हुआ? अच्छा दीपा आप डराती हैं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी अजीत, ओके संगीता, हाँ जी ऐसा होता है वो कहीं भी उगाते हैं, सही है शिवानी। अब ये बताएं सभी को क्लियर है ना, सीड के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बीज कैसे यात्री होते हैं, बढ़िया यात्री होते हैं, ओके सोनू,
टीनू, प्रियंका, सरोही सभी को अच्छे से क्लियर हो रही है। सही है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, आपके आसपास आप देख रहे होंगे वाटर लेवल कम होता चला जा रहा है। क्या वाटर लेवल कम होता चला जा रहा है? ओके ओके, सभी को क्लियर है? नवनीत, वर्ष, अरुण, दीपा, सोनू, मिथिलेश, अजीत, टीनू, अंबिका, नीलम, अमित, सभी को क्लियर है ना, जिनके नाम नहीं लिया है। हाँ जी, उन सभी को अच्छे से समझाते हो गुरु जी, थैंक यू मिथिलेश जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो नए हैं आप, आई थिंक नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप पूरी पुरानी वीडियो जरूर देख लेना आप सभी लोग, ये आठवें नंबर की वीडियो, इससे पहले सात आ चुकी हैं। सही है। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, अपने आसपास का आपका वाटर लेवल दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है, सूखा पड़ता चला जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है, कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं। सही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने घर में मोटरों का, समरसेबल्स का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। सही है, उससे क्या हो रहा है, हम जमीन से तो पानी निकाल लेते हैं, फिर वो उसी तेजी में जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पा रहा है, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। झीलें जिसमें वर्षा का जल संग्रह होता था, वो भी खत्म होती चली जा रही हैं। सही है, हमारे गांव में हुआ है बहुत सारी। हाँ जी, हर जगह वाटर लेवल हर जगह नीचा होता चला जा रहा है। अब देखिए हो क्यों रहा है, आपने पानी तो बाहर निकाल लिया, लेकिन आपका पानी उस स्पीड से जमीन में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? जो पेड़ लगे हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, उनके सामने हमने पूरा कंक्रीट सीमेंटेड जमीन बना दी है। हमारे टावर बनते चले जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं। जो आपके जो कच्ची जमीन है वो रह ही नहीं पा रही, जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। सही है, तो सबसे पीछे रीजन क्या है, पॉपुलेशन का ही है। सही है, तो मेन अभी पॉइंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि ये सूखा पड़ क्यों रहा है। तो सूखा इसलिए पड़ रहा है कि हम जमीन से पानी निकालते जा रहे हैं समरसेबल मोटर के द्वारा, और जहां पानी इकट्ठा होता था वो झीलें खत्म होती चली जा रही हैं और कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। ये बताएं, क्लियर है सभी को? हाँ जी बिल्कुल होंगी नवदीप जी, थैंक यू निशा, थैंक यू अरुण, थैंक यू शिवानी। ओके क्लियर है, और सभी बताएं ये क्लियर है? ये कई बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट में। ओके, तो सब यहीं से पेपर आते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये पेपर में आता भी है कि नहीं आता, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सही है, ये सभी आपके पेपर में आते हैं। तो थोड़ा सा पुराने बच्चे, उन्हें तो पता ही होगा जो दे चुके हैं एक आध बार, या जिन्होंने प्रीवियस ईयर करे हैं। ओके, मिथिलेश, नीलम, दिनेश, जयवीर, प्रियंका, ज्योति, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सही है, इसमें जैसे ये इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या है आपका बाउली, ये क्या होता है, ये आपका सीढ़ीदार कुआं होता है। पूछा जाएगा कि बाउली क्या है, तो ये सीढ़ीदार कुआं है। सही है, ये एक सीढ़ीदार कुआं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके दीपा, ओके रेशमा, सर एक बार ईवीएस की आल पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज। एक्चुअली रेशमा पुरानी सब तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये करेंगे आपको जो अभी पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ दे देंगे, और एक आध वीडियो की जो प्रीवियस हो चुकी है उनकी दे देंगे। सही है, आप हैंड रिटन नोट बनाओ, उसके बाद आप देख लेना, मैं पूरी ही एक कोलाज बना के जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं वो आपको ट्राई करूंगा, मेहनत लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। सही है, चलिए अभी बताएं कि ये क्लियर हो गया सभी को, क्या है बावली, पूछा जाएगा क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है, कहाँ पे है, ये जोधपुर में होता है। सही है, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहां पे वर्षा कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती वहां पे बनाए जाते हैं। सही है, तो ये आपको पिक दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें सीढ़ी सी बनी हुई है। सही है, सीढ़ी सी बनी हुई है और ये पूरी कम्युनिटी इसका यूज करती है, और नीचे यहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इसमें पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। हाँ जी, जोधपुर में है, तो ये चीज क्लियर है सभी को, इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है कहां पे, जहां पे सूखा पड़ता है, और पूरी कम्युनिटी इसका यूज करती है। सही है, बताएं क्लियर हो गया? ओके रेशमा, सर मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा। हाँ, आप फर्स्ट टाइम होगा नेहा, जितना करा रहे हैं उतना करते रहो, सबका क्लियर होगा, है ना, अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सर पीडीएफ देना अच्छा होगा, पीडीएफ मिलती है उत्तम जी, मिलती है, आप नए हो इसलिए आप ये बात बोल रहे हो, सभी की जो भी आपको पढ़ाया जाता है सबकी पीडीएफ आपको मिलती है।
थैंक्स सर, आप अच्छा कर, थैंक यू सभी को। चलिए दिल्ली में भी वॉबली, हाँ जी जहां भी थोड़ा होता है वहां पे होता है ये, और उसे क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार कुआं होता है। क्लियर है सबको, सही है। आगे देख लेते हैं, पिक से क्लियर हुआ, बेस्ट, थैंक यू दीपा जी। आगे देख लेते हैं, डांडी मार्च, सही है, सभी को पता होगा इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें नहीं पता है अभी क्लियर हो जाएगा, सही है। डांडी मार्च किन्ने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सही है। गांधी जी ने शुरू किया था, कब करा था ये, 1930 में किया था, सही है। थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं, ये 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था, 12 मार्च को स्टार्ट किया था, और ये आपका 6 अप्रैल तक चला था। कब तक चला था, 6 अप्रैल, कितने दिन हो गए ये आपके 24 दिन तक चला था, 24 दिन तक चला था। किसने स्टार्ट किया था ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका गांधी जी ने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने, हाँ जी 12 मार्च को किया था, सही है। और कितने दिन चला था, 24, और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था, सही है। रीजन क्या था, कारण क्या था कि इन्होंने ये मार्च इतना बड़ा निकाला, सही है। और इनके साथ कितने लोग थे, इनके साथ जो इनके सपोर्टर थे, फॉलोअर, 78 थे, सही है। कितने थे, 78 फॉलोअर इनके साथ में थे। यहाँ पे ये हटाते हैं, ये कितने थे, 78, सही है। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, सही है। हाँ जी दीपा, बहुत अच्छा काम करते हैं, हैंड रिटन नोट्स तो सबसे परफेक्ट है, आप जितने बनाओगे आपको चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या था, जो हमारे अंग्रेज सरकार थी उनने क्या किया था, आम लोगों के लिए नमक पर टैक्स लगा दिया था, वो बहुत ज्यादा लगा दिया गया था, ओके। और जो आम लोग नमक का बनाते थे उनके लिए भी उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, सही है। तो ये क्या था, नमक कानून कानून के खिलाफ आंदोलन किया गया था। रीजन इसके पीछे क्या था, जो टैक्स लगाया गया था उसे हटाना, या क्योंकि ये बेसिक नीड में ऐड किया जाता है, बिना नमक के कुछ नहीं हो सकता है ना। तो गांधी जी ने क्या किया था, नमक के जो टैक्स लगाया गया था उसे कम करना या बिल्कुल हटवाना, सही है। और क्या है इसमें, आपका यात्रा, ये कहां से कहां तक हुई थी, ये अहमदाबाद, ये भी काफी पूछा जाता है। अहमदाबाद से इन्होंने स्टार्ट करी थी, साबरमती अपने आश्रम से, और डांडी, डांडी आपका कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, हाँ गुजरात में पड़ता है, और सागर के किनारे जाके उन्होंने इसका खत्म करा था इसे। क्लियर है सभी को। उत्तम दास जी, हाँ जी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, अभी तक प्रीवियस की आप नोट्स बना लें, और मैं ट्राई करूंगा पूरा कोलास करके जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उसका आपको बना के प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सही है। ये बताएं डांडी मार्च का सभी को क्लियर है, पीडीएफ तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, एक एक पिक आपके लिए सिलेक्टिव लेके आता हूं मैं, जिससे आपको सब चीज क्लियरली दिखाई दे, है ना। ओके अजीत, ममता, शिवानी, जयवीर, और सभी को क्लियर है, शिल्पी, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है, ये कुछ पिक हैं उस समय की, उस समय की पिक है ये, ओके अंबिका, प्रियंका, मीणा, उत्तम दास, ओके। क्या है देखिए, ये आपके गांधी जी हैं और इनके सपोर्टर फॉलोअर हैं, ये कितने थे, 78 थे। ये उसी टाइम का पिक है आपके पास, आपका डांडी मार्च का 1930 का, क्लियर। ओके सुनीता, आई थिंक फिर से आप लेट हो गए हैं, टाइम पे रहा करिए, सही है। कब का है ये, 1930 का डांडी मार्च का, बहुत अच्छी बात है शिवानी, निशा। आगे देख लेते हैं, सही है। मनाली, मनाली कई लोग आप घूमने भी गए होंगे, बहुत अच्छी जगह है, सही है। हिमाचल प्रदेश में कहां पे है ये पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में है ये, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ओके। क्लियर क्लियर क्लियर, नो क्लियर, क्या नहीं समझ में आया निशा, क्या नहीं समझ में आया आपको, बाकी सबका क्लियर है, एक मिनट रुक जाते हैं, क्या कह रही है निशा देख लें। ये डांडी मार्च हुआ था निशा, क्या हुआ था, ये डांडी मार्च हुआ था नमक के खिलाफ, नमक पे इन्होंने टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, तो उसे उसे कम करने के लिए, हटाने के लिए डांडी मार्च करवाया गया था, सही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसने स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सही से। और रीजन क्या था, टैक्स की वजह से, कहां से स्टार्ट किया था ये, अहमदाबाद से, और कहां तक किया था, डांडी, इसलिए इसका नाम क्या है, डांडी मार्च। हां जी नेहा रिपीट कर रहे हैं, डांडी मार्च इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि वहां जाके इनका जो एंड किया था, इतने मार्च का खत्म किया था। और ये पूछा जा सकता है डांडी कहां पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, सही है। सागर के किनारे जाके इन्होंने इस मार्च का एंड किया था, सही है।
आगे बढ़ते हैं, नया क्लियर हो गया हुआ और ये उसी टाइम का पिक है आपका। आगे देख लेते हैं मनाली के बारे में, सही है। मनाली कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कई लोग, जैसा मैंने बताया, हो सकता है आप लोग घूमने गए होंगे, बहुत अच्छी जगह है, सही है। अब वहां पे झूले झूले बोलते हैं, इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके थैंक यू किमी, झूले झूले का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वेलकम वेलकम, कि आपका स्वागत है हमारे हिमाचल प्रदेश में, आप सभी का स्वागत है। हम गए थे मनाली, हाँ जी बहुत अच्छा प्लेस है। चलिए ये आपको पिक दिखाई दे रहा हो, पिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत अच्छा प्लेस है ये। तो वहां पे ये पूछा जा सकता है कहाँ है मनाली, तो आपका एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। और झूले झूले वर्ड बोलते हैं वहां पे लोग, इसका मतलब क्या होता है? वेलकम है, आपका स्वागत है, वेलकम वेलकम। हाँ जी शिल्पी जी, चलिए ये चीज भी सभी को क्लियर है, मनाली के बारे में सभी को क्लियर है। आगे बढ़े, ओके वेलकम सर, हाँ जी वेलकम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए श्रीनगर के घर, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, पहले हमने पढ़ रखा है, जब हमने घरों की बनावट देखी थी तो वहां पे श्रीनगर के बारे में भी देखा था कि श्रीनगर में घर कैसे होते हैं। ओके शिवानी, अंबिका, अजीत, शिवानी, शिल्पी, कुमार, सभी को क्लियर है, सुनीता, ममता, सबको क्लियर है, सही है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उन्हें पता होगा कि श्रीनगर में घर कैसे बनते हैं, सही है। जो नए हैं वो घबराए नहीं, पुरानी वीडियो देख लेंगे, उन्हें क्लियर हो जाएगा, सही है। वहां पे हमने हाउस बोट देखी थी, सही है। तो क्या होती है वो? 80 से 90 फीट लॉन्ग होती है और 8-9 फीट वाइड होती है, मतलब चौड़ी होती है, सही है। डोंगा, डोंगा एक होता है आपका हाउस बोट की तरह, वो भी इधर उधर आप लेके घूम सकते हो, सही है। ओके क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ मिलते हैं आपको देखने को? ये आपको डल झील में मिलते हैं और झेलम नदी में, ये झील में पाए जाते हैं, सही है। इनके अंदर अलग अलग कमरे होते हैं, पूरा एकदम बहुत आलिशान होता है ये। हाँ जी श्रीनगर, ये हमने पढ़ा था ना, ये वही चीज है, सही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए जो हाउस बोट होती है लकड़ी की बनी होती है, उनपे कार्विंग होती है, बहुत अच्छी कार्विंग देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वहां की लैंग्वेज में बोला जाता है खतबंद। क्या बोला जाता है? खतबंद बोला जाता है, कहा जाता है, सही है। और इसे ये किसकी तरह होते हैं, जिक्सा पजल होते हैं ना, उनकी तरह देखने में कुछ लगते हैं। ओके श्रीनगर के ये रिगार्डिंग तीन पॉइंट यहां पे हैं, तीनों क्लियर है सभी को? हाँ थोड़ा सा डिफर होता है, हाउस बोट में इतना नहीं, डोंगे में थोड़ा बहुत आलिशान इसमें डिजाइन आपको मिलेगी, थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा नहीं। ओके और सभी को क्लियर है? और सभी को क्लियर है चीजें? ओके ओके कार्विंग बता दीजिए शिवानी, कुछ नहीं बचेगा इसमें, सही है। कार्विंग में भी आएगी, चिंता मत करिए, जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो आपका कुछ नहीं बचेगा, आप टेंशन मत लो, जितना कराया वो बताओ। कार्विंग क्या होता है अभी बताते हैं, अभी बताते हैं क्या होता है, ये बताइए। तीनों पॉइंट क्लियर है, फिर हम आपको वो भी दिखा देते हैं, सही है। अब देखिए जिक्सा पजल क्या होता है, सबके आंसर मिलेंगे आपको, सबके आंसर मिलेंगे, पॉइंट क्लियर है सभी को। तो अब आगे देख लेते हैं, ये आपकी हाउस बोट होती है, सही है। ये कार्विंग होती है बुड की, सही है, जो कई अपने घर पे भी लगवाते हैं, ये होती है कार्विंग अलग अलग तरह के। हाँ जी थर्ड पॉइंट ये हो रहा है, इसमें क्या है, ये कार्विंग होती है लकड़ी की बनी हुई, जिससे यहाँ पे बहुत डिजाइन बनाई जाती है, बहुत अच्छा सा किया जाता है, सही है। ये भी एक घर की तरह होता है, पूरा आलिशान एकदम घर की तरह होता है, इसमें लेके आप घूम सकते हो उसे, सही है। जिक्सा पजल ये होता है, जो आपने नाम नहीं पता होगा आपको कोई बात नहीं, लेकिन देखे सबने होंगे कि इसमें आप कनेक्ट करो और उसके बाद एक फिगर बन के सामने आ जाती है, बच्चों के जो मैरिड है उनके बच्चे खेलते भी रहते होंगे, कोई बात नहीं, नाम नहीं पता होगा लेकिन देखे सबने होंगे। अब क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर हो गया बिल्कुल, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा टीनू, यही है थर्ड पॉइंट, यही है कि वहां पे कार्विंग होती है जिसे खतबंद बोला जाता है, सही है, खतबंद बोला जाता है। हाँ जी लकड़ी पे होता है डिजाइन, ये लकड़ी की बनी होती है पूरी बोर्ड, फिगर बन जाता है, हाँ जी बिल्कुल, एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक अच्छा सा फिगर बन के सामने आता है। नहीं नहीं कारपेट को नहीं बोल सकते, वो अलग चीज है। चलिए अब बताएं, आप क्लियर है ना सभी को? हाँ जी किमी प्ले करती है ना, तो उसी को बोला जाता है, उसी को आपका जिक्सो पजल बोला जाता है। अब ये बताएं क्लियर हो गया सभी को? रिपीट तो नहीं करना है,
अंबिका क्लियर, और सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें जिससे हम आगे भी जल्दी जल्दी देख पाए। सभी को क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए जिससे सब तक ये चीजें पहुंचे। आपकी तरफ से शेयरिंग नहीं हो रही है, जितनी मेहनत हमारी तरफ से हो रही है उसका 1% भी आप नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं पता है हमें, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, अरुण, नेहा, प्रेम, शिखा, शिल्पी, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सही है, ओके, नो रिपीटेशन नहीं, ओके, सभी को क्लियर है, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। सही है, आगे इसमें क्या है, कश्मीर के गांव। अभी तक हमने श्रीनगर के बारे में थोड़ा सा देखा है, अब हम थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कश्मीर में, ये देख लिया है, कैसे क्या होता है। सही है, तो कश्मीर में हमने ये तो देखा था, जब घर बनवाए थे हमने तब तो देखा था पत्थर के टुकड़ों को एक से एक, एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। गीली कीचड़ से लिपाई भी की जाती है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, छत ही साथ ही छत ढलान वाली होती है। सही है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा जी, ओके, अच्छी बात है सुनीता। पुराने कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है, ओके, जो दीवार के बाहर की हो की ओर होती है। क्या होती है, आपके जो रूम होते हैं उससे बाहर खिड़की होती है, जिसे क्या बोला जाता है, डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। इसकी लकड़ी पर सुंदर पैटर्न दिखाई देते हैं। सही है, पुराने पुराने घर पत्थर ईंट व लकड़ी के बने होते हैं, दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने होते हैं। मेहराब भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो कि मेहराब बने होते हैं। सही है, मेहराब अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बताएं कश्मीर के रिगार्डिंग ये 3 पॉइंट हैं, सब क्लियर है? ये बताएं क्लियर है सभी को? ओके सोनू, बहुत अच्छी बात है। चलिए जितने लोग भी देख रहे हैं वो सब लाइक करते रहे, क्लियर हो रही है चीजें तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्लियर है शिल्पी, सुनीता, प्रियंका, रेशमा, शिवानी, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सही है, ओके, ये है, ये आपके कश्मीर के घर हैं पुराने। अब देखिए इसमें ये मेहराब बने हुए हैं। सही है, मेहराब से बने हुए हैं, एक डिजाइन सी बनी हुई है, इसे बोलते हैं डब। आपका कितने प्यारे लग रहे हैं ना देखने में, ये सब है कश्मीर का। पॉइंट क्लियर है, न्यू पिक, ओके, ये आपका, ये पिक आपके सामने है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, पिक भी सबको क्लियर हो गई होगी। सही है, अब आपके आ गए क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है और जितना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है तो हम रिवीजन भी करते हुए साथ में चलेंगे। सही है, तो सब लोग रेडी रहें। ओके क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रेडी हैं सभी लोग? रेडी हैं सभी लोग? ओके अजीत, शिल्पी, बहुत अच्छी बात है। सही है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के आजादी, लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका कौन सा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बताएं। ओके रेडी रेडी, सभी रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहला, पहले का कौन सा है, ममता बेस्ट लेट हुए हैं क्या, पहला नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग है, शिवानी, केशव, किमी, प्रियंका, अजीत, नीलम, शिल्पी, ममता, आरती, अंबिका, ओके ममता, अच्छा ममता का 4 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। प्रेमशिका, चलिए सभी का सही है, एकता, रेशमा, सभी का सही है। सही है, जिनके नाम नहीं लिए, गुजरात, हाँ जी गुजरात होगा, रेशमा, सभी का सही है। सही है, वो कहाँ पड़ता है आपके, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया आप सभी के स्क्रीन पे, हाँ जी निशा आपका भी सही है, जयवीर आपका भी सही है, ये देखते हैं हम सभी पुराने, देखिए जो पढ़ाया गया वही सब आपके पेपर में आए भी हुए हैं। ओके ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं क्वेश्चन। सही है, क्या है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे हमारे बड़े ये कहते हैं कि आज से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित कुओं को सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। सही है, पहला क्या है,
जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं रहे हैं। दूसरा है पेड़ कुओं और आसपास के क्षेत्र की जमीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक दी गई है। या तीसरा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि अब घर में टोटियां लगी हैं, बहुत अच्छी बात है। और डी है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर 40 पंप लगाए गए हैं। सही है, आपके ऑप्शन है बी सी डी सी डी ए बी सी डी ए बी सी। बताएं, रिप्लाई आने लगे हैं सेकंड के। सबसे पहले किमी का आया है तीसरा रिप्लाई, ओके। थर्ड आया किमी का, प्रियंका, ओके, नीलम, किमी, अजीत। एक बार ही मैसेज करें, मिल जाता है आपके मैसेज। अंबिका, शिवानी, ओके ओके। सभी का तीसरा है, रेशमा, दिनेश, केशव, प्रियंका, जिनके नाम नहीं लिए हैं, नहीं, सुनीता, आप लेट हो गए इसलिए दिक्कत हो गई। देखिए बाकी सभी के आंसर सही आ रहे हैं ना, तो टाइम पे रा करें। प्रेमशिका, आप भी लेट हैं तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी सभी के आंसर सही हैं। क्या होगा कि हाँ ये बात सही है कि यहाँ पे पानी जो इकट्ठा होता था वो जगह बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सही है, और आसपास में जो पेड़ होते थे, कुएं होते थे और पेड़ होते थे, उनके आसपास की जमीन पूरी ढक दी गई है, तो ये भी सही है। और कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हमारे घर में टोटियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो ए बी और डी सही है आपका, ए बी और डी मींस तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है जिसने भी दिया है। एक आध जो लेट हो गए उनके गलत हो गए, बाकी सही का। रुबीना सही है आपका, प्रीति आपका भी सही है, नेहा सही है, सबको, दीपा सबका सही है ना, सबका सही है, ममता क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए सब बताएंगे और क्वेश्चन नंबर मेंशन करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, सही है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला, सपेरों के लिए कुछ बच्चों क्यों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। फोर्थ है कि यह एक अवैध कार्य है। बताएं तीसरा, बताएं। हाँ जी सुनीता, आपका गलत हो गया, थोड़ा लेट हो जाता है ना इसलिए गलत हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन देख लेना। इसका रिप्लाई देंगे, किमी का सबसे पहले आ गया है, फिर शिल्पी, रुबीना, किमी, आरडीएस गेमिंग, सुनीता, अंबिका, प्रियंका। हाँ जी नए बच्चों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पहले करवाया गया है इसके बारे में। हाँ जी प्रियंका, सोनू, सभी का सही है, रेशमा, सभी का सही है, प्रेमशिका आप नए हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, तो पुरानी वीडियो आप सभी लोग देख लेंगे, सही है, चैनल पे जाइए आपकी। नहीं अजीत, आपका भी गलत है, आपका भी गलत है, फोर्थ नहीं होगा इसका, सेकंड सही होगा। प्रीति यादव, जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनका गलत हो रहा है, मैं समझ सकता हूं क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया अभी आप, उन्होंने पढ़ा नहीं है, सही है। लेकिन आप इससे पहले की चैनल पे जाएं और ईवीएस की प्लेलिस्ट पूरी देख लें तो सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको, सही है, घबराने की जरूरत नहीं है नए की गलत हो रहे हैं। हाँ जी दीपा आपका सही है, रेशमा आपका भी सही है। आगे देख लेते हैं, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन क्यों होते हैं, देखते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, सही है, वो फिजिकली कितने मजबूत हैं, स्ट्रेंथ है, ओके। आगे, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पे बालों के कारण होते हैं, उनकी जलवायु के कारण, जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बताएं जो पैटर्न दिखाई देते हैं, फोर्थ का आंसर दें, किमी बहुत बढ़िया, किमी बच्चा बहुत बढ़िया, सबसे तेज किमी के रिप्लाई आ जाते हैं। टेनु, अंबिका, रुबीना, ये तो आज ही पढ़ाया है तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। नीलम, शिल्पी, सुनीता, ममता, आरडीएस गेमिंग, गलत करा होगा तो उन्होंने डिलीट कर दिया है। रेशमा, दिनेश, हाँ जी सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। अरुण गलत है, अरुण आपका गलत है, फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा इसका, थर्ड आंसर सही है, उसके बालों के कारण। नहीं नेहा आपका भी गलत है, फोर्थ नहीं होगा इसका, थर्ड सही है, ओके। नेहा, निशा, सॉरी निशा और अरुण आपका गलत है, बाकी सबका अच्छा। अंबिका आपका सबसे पहले था, हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगा, चलिए अंबिका का सबसे पहले था इसका रिप्लाई। अब आप देंगे नेक्स्ट का, तो क्या फिफ्थ का देंगे, घटपर्णी, सही है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। घटपर्णी
क्या है? पहला ऑप्शन भारत में पाया नहीं जाता, भारत में नहीं पाया जाता। सेकंड है मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियां निकालता है, उनके मुंह छोटी छोटी कटीली कांटियों से ढका होता है। पांचवें का बताएं। चलिए अभी मुझे तो किमी का ही दिख रहा है पहले, फिर शिवानी का, रुवीना, आरडीएस गेमिंग, सुनीता, नेहा, किमी, प्रियंका, मीना, प्रियंका सरोही, बीबी, रेशमा, अजीत, किमी, शिल्पी, अंबिका, एकता, कुमार, ओके, जयबीर, सभी का सही आ रहा है। बहुत अच्छा, सही है, सभी का सही है। सेकंड इसका सही है नीलम, हाँ जी सभी का सही है। ममता, सोनू, निशा, प्रीति, केशव, पांच का नहीं पता, हाँ जी नहीं पता होगा क्योंकि ये पहले हो चुका है। सही है, जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं वो पुराने हैं। नहीं अरुण जी देखिए थोड़ा गलती हो रही है, जो नए कैंडिडेट हैं वो घबराए नहीं। सही है, ये ध्वनि नहीं निकालता है, ये स्मेल छोड़ता है एक, सही है, जो कीड़ों के लिए एक फ्रेगमेंट का काम करती है। निशा आपका भी गलत है, ये भारत में पाया जाता है। सही है, कहाँ पाया जाता है जरा बताएं सभी लोग जो पुराने कैंडिडेट हैं, ये भारत में कहाँ पाया जाता है बताएं। हाँ जी सभी का सेकंड जिनने भी दिया है वो सही है, लेकिन ये बताएं भारत में कहाँ पाया जाता है, बी सी डी, अच्छा पुराना हो रहा निशा का, बताएं ये भारत में कहाँ पे पाया जाता है, पढ़ाया जा चुका है आपको। मेघालय, हाँ सुनीता का सही आया। ऑस्ट्रिया, भारत में कहाँ, ऑस्ट्रिया भारत में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का बोल रहे हैं सब, अरे इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इंडिया में भी तो पाया जाता है ना ये, तो पहला कथन तो इसका गलत हो गया, नहीं पाया जाता। हाँ जी मेघालय, अब आया आंसर, बिल्कुल सही है, रुबीना का सही दिया है, बाकी अजीत, प्रियंका, बिल्कुल सही बात है, सही है, जो नए कैंडिडेट है वो घबराना नहीं है बिल्कुल, वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, भारत की बात की जा रही है। सही है, क्या है छठा क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च कुल लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहां से आए थे आपके, साउथ अमेरिका से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। क्या बात है किमी, बहुत बढ़िया, किमी का फर्स्ट आ गया है, और सभी बताएं, शिवानी बहुत बढ़िया, प्रियंका, ममता, सुनीता, शिल्पी, केशव, चलिए ममता बहुत अच्छी बात है, और सभी बताएं, नए कैंडिडेट को नहीं पता है फिर भी अप्रोच लें अपनी, है ना, जिससे उन्हें क्लियर होंगी चीजें। अंबिका, रुबीना, अजीत, दिनेश, जयवीर, किमी, आरडीएस गेमिंग, रेशमा, हाँ जी आप एक बार लिखो, दो बार लिखो, वो एक ही रहेगा उसका आंसर, है ना। चलिए प्रीति यादव, हाँ जी सबका सही है, कईयों ने तो बहुत स्ट्रांगली इस पे बिलीव किया है कि फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं आपका, इसका पहला ऑप्शन सही है। उज्बेकिस्तान से कुछ बताया गया था, कोई यात्री आया था, उसका नाम क्या था जरा सभी बताएं, उज्बेकिस्तान से कुछ इंडिया में आया था। ओके ओके किमी, अच्छी बात है, उज्बेकिस्तान से एक यात्री आया था, उसका नाम आपको बताया गया था, इंपॉर्टेंट है तो बताएं। हाँ जी टीनू आपका सही है, उसका नाम क्या था, हाँ हाँ नेहा सही, नेहा सही है, शिवानी बढ़िया, अबू अलबरूनी, हाँ अबू धाबी तो जगह का नाम है किमी, ओके अलबरूनी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जिनने भी अलबरूनी बोला है वो सही है, अबू धाबी किमी जगह का नाम है जो यूएई में पड़ती है आपकी, अलबरूनी राइट आंसर है उसका, सही है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, अलबरूनी, हाँ जी लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अलबरूनी सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु के बारे की पहचानिए उसे, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह लगभग दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ऑप्शन है चिंपैंजी, पांडा, स्थोल या लंगूर, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुतों के रिप्लाई निकल गए हैं ऊपर, तो कोई बात नहीं,
किमी, आरडीएस गेमिंग, रुबीना, सुनीता, ममता, प्रियंका, केशव, नेहा, किमी, सभी का सही है, सभी का सही है। शिल्पी, नीलम, शिवानी, किमी, रेशमा, अंबिका, हाँ जी पुराने क्वेश्चन है जिससे नए बच्चे हैं उन्हें भी क्लियर होती जाए और आप लोगों का रिवीजन होता रहे। प्रियंका, अरुण, नहीं अरुण थोड़ा सा गलती हो रही है, कोई बात नहीं है ना अरुण, पुरानी वीडियो आप देख लेना, दिनेश आप भी पुरानी वीडियो देख लेना तो ये सब क्लियर हो जाएंगे, बाकी सभी का आंसर सही है। आप लोग कहोगे तो मैं प्ले लिस्ट का आपको लिंक भी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, सही है, आप लोग अभी बता दो मुझे तो मिल जाएगा आपको। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, सही है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। एर्थ क्या है? पादप, पेड़, एक उदाहरण जिसके बीज पानी के, देखिए यो एडिशनल पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं, ये क्या आ गया, जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पहला गेहूं, खजूर, सेब, नारियल, बताएं। ओके अरुण बताएं, इसका बताएं, एर्थ का कौन सा है? ओके भेज दी जाएगी, चलिए भेज देंगे, प्लेलिस्ट दे देंगे और इस ये वाली वीडियो भी ऐड कर देंगे। ओके किमी का फोर्थ आया है, आरडीएस गेमिंग, सुनीता, प्लेलिस्ट, ओके रेशमा दे देंगे आपको, किमी और सोनू, कईयों के नाम निकल गए, जयवीर, अजीत, रेशमा, केशव, प्रेमशिका, किमी, अंबिका, प्रियंका, कुमार, कोकोनट, बिल्कुल सही बात है, ममता, सभी का सही है, सही है। अभी मैंने एडिशनल बताया था पानी में बहके ये इधर से उधर पहुंच जाते हैं, सही है, हाँ जी दिनेश, एकता, ममता, सभी का सही है, शिल्पी आपका भी अच्छा रिप्लाई है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? पहला रेशम का कीड़ा, ये भी आपको बताया गया है, बाघ, गिद्ध या वो बाघ, गिद्ध या बाज, बताएं। प्रीति आपका भी सही है, नाइन्थ का बताएं, नाइन्थ का बताएं सभी लोग, सभी को सब चीजें क्लियर हैं और समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। सबसे पहले इसका नाइन्थ का रिप्लाई आया है, किमी, नीलम, शिवानी, आरडीएस गेमिंग, रुबीना, सुनीता, जयवीर, अजीत, प्रियंका, प्रेमशिका, ओके सभी का सही है, सोनू, निशा, रेशमा, एकता, कुमार, ममता, हाँ जी सभी का सही है। हाँ सर स्टूडेंट क्वेश्चन हाउ टू सी, चलिए सभी का सही है, क्या होगा, रेशम का कीड़ा इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीति आपका भी सही है, सर मेरा सही था बी, देख लेते हैं बी कौन सा सही था, बी नहीं होगा, बाघ नहीं होगा इसका, रेशम का कीड़ा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तब भी आपका गलत है, खजूर नहीं होगा, नारियल होगा इसका आंसर, सही है। आगे देखते हैं, मधुबनी एक परंपरागत कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो हम पढ़ भी चुके हैं, तो जो डैश राज्य में है, पहला महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बताएं, टेंथ का बताएं, बहुत बढ़िया रुबीना इस बार आगे निकल गई है, रुबीना का सबसे पहले, नीलम, शिवानी, सुनीता, अजीत, किमी, दिनेश, बिहार, बिल्कुल सही बात है, प्रियंका, नेहा गलत है, नेहा आपका गलत है, उड़ीसा नहीं होगा इसका, केशव, एकता रानी, रेशमा, अंबिका, शिल्पी, ममता, अरुण, प्रीति, कुमार, शिवानी, प्रियंका, हाँ जी सबका, जितने भी फोर दिया है ज्यादातर ने दिया है, एक आध कैंडिडेट से गलती हो गई है, उड़ीसा नहीं होगा इसका, बिहार है, बिहार का एक गाँव है जिसका नाम आपका मधुबनी है, उसी पे इसका कला के नाम पे ही उसका गाँव का नाम पड़ गया है, सही है। नहीं शिवानी आपका सही था, फोर दिया था अगर आपने तो सही था आपका, है ना, जयवीर आपका भी सही है, आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, इलेवेंथ क्वेश्चन है आपके सामने, बताएं, हाँ जी जयवीर आपका सही है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है, कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकते हैं? पहला पेड़ों कुओं तथा उसके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हुए हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के घर पे अब नल होने के कारण कुओं का प्रयोग नहीं रह गया है, केवल सी, केवल ए, केवल बी, ए बी सी, दोनों बताएं, ए और बी, रिप्लाई आने लगे हैं सभी के,
बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, बहुत अच्छे और बहुत स्पीड में आ रहे हैं, जिससे हम स्पीड में आगे क्वेश्चन देख पाते हैं। किमी बहुत बढ़िया, ममता, शिवानी, नीलम, शिल्पी, किमी, सुनीता, आप भी रिप्लाई करें, रेशमा, ममता, एकता, अंबिका, रुबीना, केशव, अजीत, सोनू, आरडीएस गेमिंग, अंबिका, प्रीति, सभी का सही है, सभी का सही है। प्रियंका सिरोही, ए बी नहीं, प्रियंका आपका गलत हो गया है, वैसे सही रहते हैं आपके, लेकिन आपका गलत हो गया है। हाँ जी नेहा, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, सॉरी की कोई नीड नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। दीपा आपका भी सही है, टीनू आपका भी सही है, सही है। क्या है इसमें, पहला इसका सही है कथन, पहला सही है इसका कथन कि कुओं के आसपास के स्थान पे अब सीमेंट से उसे ढक दिया गया है। और दूसरा क्या है, बोरिंग नहीं था, अरे बोरिंग मतलब वही टिल्लू पंप जो आपके होते हैं, नाम ही तो चेंज हुआ है, जो मोटर होते हैं उसी को बोलते हैं बोरिंग करके ही, तो उसमें समर सेविल मैंने नाम लिया था ना, समर सेविल मैंने नाम लिया था प्रियंका, उसी को बोलते हैं। ओके प्रियंका क्लियर हुआ, बोरिंग पंप उसी को बोलते हैं, जो मोटर पंप होते हैं ना आपको, उसी से थोड़े बड़े होते हैं, समर सेविल जिन्हें बोला जाता है। चलिए तो बी ऑप्शन भी इसका सही है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी दोनों सही है। तो नहीं निशा आपका गलत है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। प्रियंका क्लियर हो गया, अब क्लियर है सभी को, ओके अब क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मोटर तो था, हाँ मोटर था, वही होता है, वही होता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी चलिए आगे देखते हैं। टेल क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा वावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है वे जल भंडार और संरक्षण की परंपरागत व्यवस्था है। बी है सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता है, होता था, या उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, केवल उसमें केवल संदूषित जल होता है। बताएं, पहला ए बी सी, केवल ए, केवल डी, ए और बी। आरडीएस गेमिंग बहुत बढ़िया, सबसे पहले आया है इनका, आरडीएस गेमिंग का फोर्थ, ओके प्लेलिस्ट का लिंक बता दीजिएगा, ओके दे देंगे जिसने भी बोला था, निशा दे देंगे आपको। हाँ जी सब पुरानी वीडियो देख लो आप, सबको क्लियर, पुराने बच्चों के रिप्लाई इतने अच्छे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी मेहनत करी है, वीडियो देखी है, नोट्स बनाए हैं, तो नए कैंडिडेट भी ये काम करें। रुबीना ए, ओके, एकता रानी, ममता, प्रियंका, नीलम, किमी, शिवानी, प्रियंका, प्रेमशिका, ममता, सुनीता, किमी, जयवीर, अंबिका, अजीत, सोनू, रेशमा, सभी का वन आ रहा है और एक का आया है फोर, कुमार, अच्छा जो उन्होंने हटा दिया है, चलिए अच्छी बात है। देखते हैं इसे जरा समझ लेते हैं क्या है, बिल्कुल सही बात है, ये एक आपका ट्रेडिशनल है, पुराने से चली आ रही है, तो पहला ऑप्शन सही है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया गलत। आगे क्या है आपका, सामुदायिक, बिल्कुल मैंने बताया था एडिशनल पॉइंट में, ये पूरी कम्युनिटी यूज करती है इसका, तो बी भी ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, ये वर्षा रहित, मैंने बताया था जहां पे कम बारिश होती है, बिल्कुल नहीं होती, वहां पे होता है, तो ए बी सी इसके तीनों ही सही है, तो पहला ऑप्शन सभी ने दिया है, तो उन सबके सही है, सही है, क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता, नहीं रहता की बात हो रही है, सही है, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं कुमार, लेकिन पेपर में थोड़ा याद रखना आप, है ना, जिससे वहां पे गलती ना हो। पहला दीमक, पहला आपका चींटी है, दीमक है, मकड़ी, ततैया, बर्रा, बताएं। रुबीना का सबसे पहले आ गया है पहला, नहीं रुबीना का डी, ओके बढ़िया। जयबीर थ्री, ममता, सुनीता, अजीत, नीलम, किमी, प्रियंका, कुमार, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन सही है आपका। एकता, आरडीएस गेमिंग, ममता, प्रियंका, किमी, शिल्पी, केशव, अंबिका, सही है, सभी ने सही दिया है, एक कैंडिडेट ने दिया था पहला, चौथा वो गलत था। हाँ जी शिल्पी, दीपा, सोनू, बादल, सभी का सही है ना, तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ये चीज हम देख चुके हैं। प्रीति सेकंड नहीं होगा, जो भी नए कैंडिडेट है घबराए नहीं कि उनके ऑप्शन गलत हो रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने देख लेना सभी वीडियो, सब चीज क्लियर हो जाएगी, जैसे और सबको क्लियर है आपको भी क्लियर हो जाएगी। रचना आपका सही है, निशा आपका गलत है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन
बीज नहीं है। सही है, कौन बीज नहीं है? पहला सौंफ, दूसरा गेहूं, काली मिर्च या साबुदाना, बताएं सब लोग। सभी लोग बताएं। हाँ जी, टीनू राहुल देख लेते हैं, दोनों का अलग अलग आया है, देख लेते हैं। 13 का आपका 3 सही है, 13 का 3 सही है, राहुल सही है, टीनू आपका गलत है। 14 का एकता रानी का सेकंड आया है, गेहूं बीज नहीं है। ओके, और ममता 4, ममता बिष्ट ओके 4, रुबिना, आरडीएस गेमिंग, नीलम, राहुल, सुनीता, रचना, रेशमा, किमी, जयवीर, केशव, प्रियंका, कुमार, किमी, सोनू, अजीत, सबका 4 है, इन सभी का 4 है। शिवानी, अरुण, किमी, अंबिका, दीपा, प्रीति, इन सभी का 4 है, और वो 4 सही है ना, गेहूं नहीं होगा, वो तो सीड है भाई, है ना। साबुदाना क्या होता है? ये माड़ होता है, जो आपका गोंद होता है वो होता है ये। हाँ जी, किमी आपका सही है, प्रियंका आपका भी सही है, निशा आपका भी सही है, बादल आपका सही है, प्रीति आपका सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लियर ही होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? सही है, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन है नहीं के ऊपर आपको बात करनी है। पहला ऑप्शन, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं और जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ होती हैं, जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, बताएं। 15 का अंबिका का सबसे पहले आया है, 4th, और सभी बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ममता 3, रुबीना डी, किमी ओके, सुनीता, नीलम, जितने भी नए कैंडिडेट हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को और घबराए नहीं गलत हो रहे हैं तो। किमी, सुनीता, केशव, एकता रानी, ममता, रचना, बादल, सोनू, अरुण, सही है, इसका 4th ऑप्शन सही है, सभी का 4th आ रहा है। कुमार आपका सही है, शिल्पी आपका सही है, सही है, ये भंडार नहीं करती है, बाकी ये तीनों इसके सही है और इसमें नहीं पूछा था तो 4th आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, प्रियंका, दीपा, रेशमा, सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन है, सही है, देख लेते हैं इसमें क्या है। रीना आम पसंद करती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही है, आपको बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है। जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ आपके अपने फ्रिज में रख दें, या अचार या आम पापड़ बना के उसके रख दें, बताएं। 16 का बताएं, एकता रानी का सबसे पहले, अंबिका, सुनीता, प्रियंका, शिवानी, ममता, तीनू, रेशमा, राहुल, नीलम, ममता, किमी, सोनू, शिल्पी, सभी का 4 आ रहा है, कई लोग करते भी होंगे घर पे। किमी, कुमार, केशव, अजीत, प्रियंका, मीणा, बादल, सभी का सही है, रेनू, सही है, ये आपका 4th ऑप्शन इसका सही है, इसने किसी ने भी गलत नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। नेहा आपका सही है, प्रीति आपका भी सही है, हाँ जी आपका भी सही है, बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा रिप्लाई दिया है इसका। 17 देख लेते हैं, पहले दूसरी वीडियो में ये कराया गया था, निशा आपका गलत है, निशा आपका गलत है, बाकी सभी का सही है। चलिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, ओके, यह लिपि आधारित होती है, 4 बिंदुओं पे, 6 पे, 8 पे या 10 पे, बताएं, बताएं सभी लोग, नए कैंडिडेट भी कोशिश करें रिप्लाई दें। 17 का कुमार का था आई थिंक सबसे पहले, बहुत तेजी से रिप्लाई आया ऊपर, रुबीना, जयवीर, सुनीता, टीनू, दीपा, किमी, 6 ओके, 6 ओके डॉट ओके, रेनू, रेशमा, नीलम, अजीत का गलत है, अजीत गलत है आपका, ध्यान दीजिए थोड़ा, शिवानी, किमी, रचना, सोनू, निशा, रुबीना, ममता, बाकी सभी का सही है, 6 बिंदु बिल्कुल सही बात है। केशव नहीं, नेहा आपका भी गलत है, नेहा आप एक दो वीडियो ले रहे हो लेकिन पुरानी वीडियो भी देख लो। प्रीति आपका गलत है, बादल आपका सही है, सही है, बाकी सही है, ममता सही है, अंबिका सही है, शिल्पी सही है, अजीत सही है, प्रियंका सही है, इसे आपके 6 डॉट बने होते हैं, सही है, 6 डॉट बने होते हैं इसमें, ये दोनों गलत हैं, जिसने भी आंसर दिया है ये दोनों गलत हैं आपका, और सेकंड ऑप्शन सही है, अरुण आपका सही है, अंबिका सही है,
बाकी सबका सही है। आगे देख लेते हैं, 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर बताएंगे सभी लोग। अबू धाबी में के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यह है यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही। और अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी या ए बी सी, बताएं। 18 का वही तो हमने पूछा है, 18 का कौन सा सही है बताएं ना। निशा ओके, बी किमी 4, अजीत 4, ममता 2। ममता जी ये पुराना टॉपिक है, हो चुका है, रिवीजन है, ओके। रुबीना, एकता, सुनीता, ममता, रेशमा, रचना आपका गलत है, राहुल आपका गलत है, प्रियंका आपका भी गलत है, मिक्स आ रहे हैं। नए कैंडिडेट अरुण आपका भी गलत है, कोई बात नहीं है, इस पे बात करते हैं, अभी बात करते हैं इस पे। अंबिका, दीपा आपका सही है, केशव आपका सही है, सोनू आपका भी गलत है ये, ओके। कुमार आपका सही है, चलिए देख लेते हैं क्या है, सही बात है ये, माँ भाई रेगिस्तान है, ये बात तो सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, इस पे हमें देना ही नहीं है। तो जिसने भी थर्ड दिया था ये तो पहले ही गलत हो गया, पहले ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, आप लोग भी यूज करा करें इसका, जैसे ही आपको पहला दिखा आप इस पे क्रॉस मार लेना वहां पे, फिर आपके पास चॉइसेस कम हो जाएंगे और गलती होने के चांस और कम हो जाते हैं, सही है। हाँ जी शिल्पी आपका सही है, मेरा फिर गलत हो गया, नेहा हाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं है, है ना, ये पुराना है तो पुरानी वीडियो आप देखोगे सब क्लियर हो जाएंगे, फिर आप दोबारा लगाना, पुरानी वीडियो के देखने के बाद दोबारा आप अटेम्प्ट करोगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही बात है, वहां पे पानी नहीं है, पेट्रोल ज्यादा है, तो वो उन्हें पानी वहां पे रिफाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, सही है, तो ये भी सही है। तो बी इसमें आ रहा है ये सही होगा, बी इसमें नहीं आ रहा तो ये तो गलत हो गया, तो सेकंड जितने भी दिया वो भी गलत हो गए, सही है। भाषा माँ की अरबी है, बिल्कुल सही बात है, तो सी भी सही है, ये भी गलत हो गया। अब ज्यादातर ये दिनार की बात कर रहे हैं ना, दिनार की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वहां पे दिरहम चलता है, ओके, जब पढ़ाया गया था तो आपको बताई गई थी ये चीजें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओके हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है, अबू धाबी की दिरहम होती है, बिल्कुल सही बात है सुनीता, सही है, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका क्लियर है, धीरम बिल्कुल, किमी बिल्कुल सही बात है, अरुण क्लियर, शिल्पी क्लियर, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, सही है। पहला, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल सी और डी, सी और केवल ए और बी, बताएं। हाँ जी सोनू सही है, राहुल मैंने तो 4 दिया था, देख लेते हैं आपका भी 4, देख लेते हैं आपका 4 दिया था तो सही है, तो आपका पुराने वाले का बाद में, इसलिए बोलते हैं आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करो ना आप सभी, जिससे देख लेते हैं। राहुल अच्छा आप दूसरे राहुल हो, दूसरे राहुल ने दिया होगा, ओके दूसरे राहुल ने गलत दिया होगा इसलिए बोला गया होगा, चलिए अच्छी बात है। इसका रिप्लाई करिए सब लोग। रेशमा का सबसे पहले नहीं, अंबिका का सबसे पहले आया है, अंबिका, रेशमा, ममता, ओके, रुबीना 4 सभी के आ रहे हैं, रेनू 1 आया है, बहुत बढ़िया रेनू, आगे देखते हैं शिल्पी, ये तो आज ही कराया है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जयवीर, किमी, सुनीता 1 आया है, ओके, अंबिका, अजीत, शिवानी, अरुण, किमी, शिल्पी, नेहा, अंबिका 4, अंबिका आपने दे दिया था एक बार, रिप्लाई कर दिया गया, काम हो जाता है आपका, मिल जाता है, तो 4th दिया है, 2 कैंडिडेट ने 1 दिया है, देख लेते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है, है ना, तो आपके सही है, पहला ऑप्शन तो इसमें मैच कर रहा है, ये दोनों तो नहीं हो सकते,
सही है सुनीता, ध्यान दीजिए आपका गलत हुआ है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो क्यों गलत कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल ए बी इसका सही दिख रहा है। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, गलत हो गया ये। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर मेरा रिप्लाई नहीं मिला है क्या? फोर, हाँ जी फोर, जिनके कुछ नाम ऊपर चले जाते हैं लेकिन मिल जाता है, लेकिन जिनको हम उन्हें ज्यादा हाईलाइट करते हैं जिनकी गलतियां हुई है ना। सही को सही क्या करना, जो गलत हो गए उन्हें सही करना है ना। प्रियंका मिल गया था आपका भी, हाँ जी सुनीता आपका गलत हो गया था, ए और सी नहीं होगा, ए और बी सही है इसका। टिनू आपका भी सही है, स्टार्टिंग में पैडा सर आपने पढ़ाया, हाँ जी दीपा स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ये, हाँ जी दूसरी स्लाइड थी ये, दूसरा टॉपिक था, ए बी होगा बाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यही होता है कि आप पेपर में भी जाके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, सही है, अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन समझोगे, फिर आपको रिप्लाई करना है, फिर आपको वहां पे सर्किल करना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि एक उनका सर्किल एक में ही वो 89 पे रुक जाते हैं, फिर 6 महीने वो परेशान होते रहते हैं मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक सर्किल में सही कर देता। जो 89 पे रुके होंगे इनमें से बच्चे या जो भी होंगे मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है वो 89 का दर्द क्या होता है। ओके तो ये गलतियां ना करें सभी लोग, गलती नहीं करनी है। सर मेरा भी गलत हो रहा है, मुझे पुरानी वीडियो देखनी है आपकी। ओके पुरानी वीडियो का लिंक दे देंगे निशादी, हाँ जी दे देंगे, जितने भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुरानी हम दे देंगे और आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन प्रेस कर लें। सही है सर मेरा सही था, हाँ नेहा आपका ये ऑप्शन सही था, केशव सही है। बस मैं अभी ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप अच्छे से पढ़ो उसे, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फिर उसे मार्क करो। सही है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। एक जब पेपर आपका पास में आ जाएगा, थैंक यू शिल्पी जी, पेपर जब पास में आ जाएगा मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, बस आपको वो फॉलो करने हैं, उस हिसाब से आपका सीटेट, क्योंकि उस जो एंड में मैं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा आप लोग भूल जाओगे, तो आपको वो फॉलो करने हैं, आपका सब चीज सही से हो जाएगी। हाँ केशव है ना, तो बहुत गंदा देखो 89 पे रुकते हैं, बहुत गंदा फीलिंग आती है उन्हें, 89 पे नहीं रुकते, और 80 क्या, हम तो ऐसा लेके चल रहे हैं आपका 110 120 प्लस में नंबर आने चाहिए। थैंक यू किमी जी, थैंक यू, थैंक यू, रिवीजन हो गया वापस, हाँ जी शिवानी इसलिए क्वेश्चन लिए जाते हैं कि आपका रिवीजन भी होता रहे और हमें भी पता लगता रहे कि आप लोग रिवीजन घर पे कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, जिस आपके जो रिप्लाई आते हैं जो पता लग जाता है कि आप पुराना वीडियो मेरे को देना। हाँ जी उत्तम दास जी आपको क्या पूरे ग्रुप को मिल जाएगा लिंक, आप देख लेना वहां से जाके। सही है, अब ये बताएं सभी को सब चीज क्लियर है, आज की वीडियो सभी को कैसी लगी, सब चीज क्लियर हो गई सभी को? सर मेरे सारे ठीक हुए। किमी बहुत बढ़िया, किमी बहुत बढ़िया, आपके सारे सही भी हुए हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी भी काफी अच्छी रही है। किस किस के कितने सही रहे हैं सभी बताएं, 29 थे ये, कितने उनके क्वेश्चन सही रहे हैं? एक नंबर से रह गया ना, ये बहुत गंदा लगता है सुनीता, बहुत गंदा लगता है एक नंबर से रहना। कोई नहीं, अब आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है, पूरे नोट्स मिल रहे हैं आपको, सही गाइडेंस मिल रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत तो हमें सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है कि हमें पढ़ना क्या है। जिस बच्चे का मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमें ये सब पढ़ना भी है, भैया आपको यही सब पढ़ना है, क्यों आप किसकी बातों में आए पड़े हो, आपको यही सब पढ़ना है और यही आपके पेपर में आता है, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं, ये काम यहाँ शिक्षा दान पे होता भी नहीं, आपको किताब पढ़वाई जाए है ना। तो सभी लोग बिलीव करें और नहीं करें तो अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं, यही सब लेकिन आपके पेपर में आता है। सही है, अब ये बताएं सबके कितने सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी के? बहुत मैसेज आ गए हैं, जरा देख लेते हैं, मेरे 2 गलत हुए हैं। ओके सुनीता कोई नहीं, उन्हें भी सही होगा, बहुत अच्छा लगा, सही है बहुत अच्छी। 27 मेरे मेरे 27 27 क्या 27, एक गलत हो गया नीलम का, ओके ऑल करेक्ट दीपा बहुत बढ़िया। शिल्पी मेरे 29, आप लोग कुछ ज्यादा बोल रहे हो यार, आप लोग ज्यादा बोल रहे हो, 29 तो क्वेश्चन भी नहीं थे, 19 ही थे, ऑल करेक्ट ओके। मेरा एक गलत हो गया। सोनू का
29 नहीं थे, 19 ही थे, 29 नहीं थे, 19 ही थे। हाँ जी, नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बनाइए, बहुत अच्छी बात है। जो नोट्स बनाएंगे और उन्हें रिवीजन भी करते रहिए, नोट्स बना के उनमें धूल नहीं जमनी चाहिए, उनका रिवीजन करते रहें। ओके कुमार, आपके 18 मतलब एक आध कम हो रहा है, गलत, नए बच्चों का हुए होंगे ज्यादा, कोई बात नहीं है, आप पुराना डेटा उठाना उससे करना, ममता के सब सही है। श्योर सर, आता है एग्जाम में? हाँ जी किमी, ये आता है एग्जाम में। और कल मैंने सीडीपी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने कोल वर्क के बारे में बताया था, तो कई बच्चे पूछ रहे थे इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं आप समझ नहीं पाते हो, ये थ्योरी उन्हीं की है, इसलिए मैंने पूरा क्लियर करके आपको बताई है सब चीजें। हाँ जी नेहा, थोड़े आपके गलत हो गए, कोई बात नहीं, आप रिविजन करें, अच्छे से नोट्स बनाए, सही है। अब ये बताएं एकदम ऑनेस्टली, बहुत थैंक यू शिवानी, अच्छी कोई बात नहीं, एक दो गलत हुए, आगे से वो भी गलत नहीं होंगे, सही है। बोल दिया होगा प्रियंका, इतना बोलना पड़ता है, तो 29 बोल दिया होगा 19 की जगह, चलिए 17 सबके सही है, सभी का सही है। तो सभी को आज सब समझ में आया है, सबको लेक्चर सही लगा, सभी को अच्छा लगा लेक्चर, मेरे दो गलत हुए हैं, 108 सर मुझे तो... हाँ जी हाँ जी सही है सही है, थैंक यू शिल्पी, वेलकम है सोनू जी, निशा, हाँ जी किमी आते हैं, कोलवर से आते हैं भाई, वो तो बैकबोन है इनकी, आपके प्याजे कोलवर बायकॉस की बैकबोन है ये सीटेट की, और कोई भी टीचिंग एग्जाम हो इतने पुराने पुराने नाम है। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगा, तो टेल ही दो गलत हुए, कोई बात नहीं, दो गलत हुए आगे वो भी गलत नहीं होंगे, है ना, हम ये हम सीख रहे हैं, बढ़िया लेक्चर, थैंक, ओके थैंक यू, सभी को थैंक यू है, सभी को थैंक्स है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, ये हमारी अब रिक्वेस्ट टर्म शायद अच्छा ना लगे आपको, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से ज्यादा आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं, है ना, लिंक आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। आपको अब काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, आप इस चैनल पे जितने भी नए लोग हैं बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और आपको अच्छी लग रही है चीजें तो कमेंट के द्वारा हम तक अपना मैसेज पहुंचाएं, सही है। और ये सभी फ्री है, आपको एक रुपया नहीं देना है इसमें, सभी फ्री है। हाँ जी ममता जी, पूरा गाइडेंस है हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, मुनीश सर की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। ईवीएस विद आंसर पीडीएफ चाहिए? नहीं, विद आंसर नहीं मिलेंगी आपको, आपको आंसर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपकी आदत पड़ जाती है सीधे, देखिए होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट रास्ता होता ना हम उसे चुनते हैं, हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, जहां हमें कम मेहनत करनी पड़े। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आंसर आपको खुद उसके पहले गैस करने हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें, आपको लग रहा है, या आप उसमें ये करो, एक पेपर लो और उसमें नोट डाउन कर लो कि पहले का मेरा ये है, दूसरे का ये है, फिर आप वीडियो से मैच करा लो उसे। अगर मैं आपको उसकी नीचे लिख के दे दूंगा ना कि इसका फर्स्ट है, तो आपका दिमाग वर्क ही नहीं करेगा, आप फिर रटना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, बात आ रही है समझ में? इसलिए आपको क्वेश्चन के आंसर हम वहां मेंशन नहीं करेंगे, और ये आपकी भलाई के लिए है, ये आपकी भलाई के लिए, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, फिर हम सीधे रटना, हाँ भाई इसका पहला सही है, इसका दूसरा सही है, भाई ये पता होना चाहिए क्यों सही है, आपके थोड़ा मंथन होने दीजिए, माइंड को थोड़ा शार्प होने दीजिए चीजों के, सही है। इसलिए आपको आंसर नहीं देंगे, आप पहले खुद दिमाग लगाओ अपना, जब हम पढ़ चुके हैं तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि आंसर इसका कौन सा सही होना चाहिए, सही है। चलिए सभी को बहुत बढ़िया, ईवीएस हाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको, संडे तक इसके नोट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। सोनू इसका टाइम नहीं बच पाता है, इसका टाइम नहीं बच पाता है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत, सभी खुश रहें पढ़ते रहें। हाँ लाइव क्लास में पूछ सकते हैं भाई, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी लाइव क्लास में डाउट हो आप फिर से पूछो, लेकिन मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा आपसे कि आपको रटवाऊं चीजें, ये नहीं होगा हमारी तरफ से कि क्वेश्चन दे दें और उसके आंसर दे दें भैया रटो बेटा बैठ के, ये नहीं होगा।
उसका आंसर क्यों है, उसको जड़ तक आपको पहुंचवा के मैं रहूंगा, सही है। रूट आपको पता होनी चाहिए कि इसका आंसर बी है, तो बी सही क्यों है, सही है। चलिए सभी को जय हिंद जय भारत, वेलकम है सभी का, सभी का वेलकम है। चलिए